सोशल मीडिया फर्जी अकाउंट्स के जरिए कई नेताओं के बारे में झूठ फैलाया जाता है। आए दिन कई नेता झूठे फैक्ट्स का शिकार हो जाते हैं और फिलहाल ऐसे ही मुसीबत में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस चुके हैं। पहले उनके बारे में ट्विटर हैंडल से कांग्रेस में वापसी की चर्चा को लेकर अफवाह उड़ी और अब साइकिल गर्ल ज्योति से जोड़कर सिंधिया के बारे में एक न्यूज को फैलाया जा रहा है। इस होड़ में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी शामिल हो गए हैं। फर्जी खबर को शेयर करके उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा है। बिहार के दरभंगा जिले की बेटी ज्योति लॉकडाउन में साइकिल के जरिए अपने पिता को लेकर शहर से घर पहुंची। मुश्किल वक्त में ज्योति का पिता के प्रति प्रेम देखकर, ज्योति की जिंदादिली की कहानी सुनकर हर किसी का दिल भावुक हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ज्योति के हौसले को सलाम किया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने लगी कि ज्योति को लेकर सिंधिया ने बयान दिया है। यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। न्यूज चैनल के नाम से बने फर्जी ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बोले मोदी की वजह से आज ज्योति पासवान का नाम दुनिया भर में फेमस है, अगर लॉकडाउन नहीं होता कोई नहीं जानता उनका नाम। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस ट्वीट के बाद सिंधिया की परेशानियां बढ़ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी भक्त कहकर लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया, सिंधिया पर लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जब झूठ जरूरत से ज्यादा प्रचारित होने लगा, सिंधिया ने खुद वायरल ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, इस तरह का बयान मैंने आज तक नहीं दिया। इस तरह के समाचार चराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए जो झूठी खबरों से कमाई करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। उसके बाद उस फर्जी अकाउंट से ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, साथ ही अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरे मामले से हमें और आपको संभलने की जरूरत है। संभलने की जरूरत है कि जो भी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचे, हम तुरंत उस पर भरोसा ना करें, पहले उसकी जांच करें, पड़ताल करें। अगर वो खबर सच है तभी उस पर यकीन करें और आगे तक पहुंचाएं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।